पूरे भारत में एक यही मतलब एक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। ये मेरे को भी सुन के थोड़ा अचंबा हुआ, लेकिन गाइस यही रियलिटी है। और ये नदी आप देख सकते हो, इसका बहाव अभी आप देख सकते हो इधर की तरफ बह रही है ना इधर। गाइज वेलकम बैक टू ब्लॉग बैंगर। तो अभी हम आ रखे हैं सिद्धनाथ घाट उज्जैन में, क्योंकि अभी गाइज आप देख रहे होगे अभी मैं कर रहा हूँ उज्जैन दर्शन। तो उज्जैन दर्शन में जितने भी उज्जैन में घूमने वाली जगह है, तो मैं सारे जगह जा रहा हूँ, सारे जगह की आपको एक नई वाइब, एक नया जगह एक्सप्लोर करके मैं वहाँ पे हर जगह आपको कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ के बारे में बताऊँ, वहाँ की संस्कृति के बारे में बताऊँ, वहाँ की स्टोरी के बारे में बताऊँ। और मैं अभी पूरा उज्जैन कर सकते दर्शन करूँगा। मैं 3 दिन की ट्रिप पे आऊँ, आप देख ही रहे हो। तो उज्जैन की पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पे हर एक वीडियो दिखेगी आपको, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप पूरे उज्जैन दर्शन का वीडियो आप देख सकते हो, मैंने एक प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। तो गाइज अभी जो अब हम आ रखे हैं वो आ रखे हैं सिद्धनाथ घाट। तो सिद्धनाथ घाट की भी बहुत अच्छी स्टोरी है, यहाँ की बहुत अच्छी महिमा है, जिसके बारे में अभी गाइज यहाँ पे आपको छोटू बताएगा इसके बारे में, यहाँ की क्या स्टोरी है, ये क्यों फेमस है, और यहाँ पे क्यों लोग आते हैं, यहाँ पे भक्तों की भीड़ क्यों रहती है, इसके बारे में अभी आपको छोटू से सुनने को मिलेगा। तो छोटू भाई बताएं यहाँ की स्टोरी के बारे में, यहाँ की मतलब जो पौराणिक कथा है उसके बारे में, और क्यों फेमस है। ये जो घाट आप देख रहे हैं, ये वाली घाट, ये जो घाट है इसकी महत्व इलाहाबाद की घाट है, इलाहाबाद की अक्षयवट घाट, अच्छा गया की बिहार की बौद्धवट घाट, मतलब मथुरा वृंदावन की बंसीवट घाट की इतना महत्व इस घाट की भी है। अच्छा मतलब जितना बौद्ध गया का घाट का इलाहाबाद का घाट का है मथुरा का सेम महत्व इस घाट का भी है। और यहाँ पे भी आपको दिखाएंगे जो बट वृक्ष लगी हुई है, वो माता पार्वती ने खुद अपने ये वाली बट वृक्ष जो आप देख रहे होंगे लगाई है। अच्छा ये वाले गाइस जगाई जो, तो ये आप जो वट वृक्ष देख रहे हो, ये जैसा ये छोटू बता रहा है, ये क्या माता पार्वती ने खुद अपने हाथों से लगाई है, वो वट वृक्ष आज तक है। और इसके नीचे दिस इज अ शॉकिंग, और इसके नीचे कार्तिको को उन्होंने खाना खिलाया था अपने हाथ, इस वट वृक्ष के नीचे शिव पुत्र कार्तिको को उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया था गाइस। और तारकासुर का वध करके यहीं पे वो आके विश्राम किए थे कार्तिक जी, तो फिर माता जी ने उनको यहाँ पे खाना खिलाया था, और जिससे वो वध किए थे वो इसी नदी में वो फेंक दिए थे, वो जो वध करके शस्त्र इस नदी में फेंक दिए थे उन्होंने। अच्छा तो ये गाइज यहाँ की स्टोरी है, काफ़ी तगड़ी स्टोरी है। और गाइज सबसे पता है, सबसे यहाँ पे जो तगड़ी चीज़ मेरे को लगी जो है, ये जो वट वृक्ष आप देख रहे हो, ये माँ पार्वती ने लगाया है, कितने हजारों साल पुराना ये वृक्ष है। अभी तक गाइज इसके देख रहे हो पत्ते एकदम ग्रीन ग्रीन है, अभी तक ये सूखा नहीं है। तो गाइज आप कमेंट करके बताना ये आपको सुन के कैसा लग रहा है, और ये वट वृक्ष आप गाइज अब अपन कमेंट में आप जरूर बताना कि कितने साल पुराना हो सकता है क्या, सब अपन सब अंदाज लगाएंगे गाइज। तो बिल्कुल सब अंदाज लगा के आप कमेंट में लिखना, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कितने साल ये पुराना हो सकता है। ठीक है गाइज फिर चलते हैं आगे की तरफ। गाइज तो ये देख सकते हो, ये हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। ये गाइज देखो, ये नहीं नहीं ये बट वृक्ष की गाइज, ये बट वृक्ष है। गाइज यही वट वृक्ष है, काफ़ी हजारों साल पुरानी है, तो ये सूखी नहीं यार, काफ़ी इंस्टेंटिंग मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। अच्छा ये जो वट वृक्ष है वो माता पार्वती ने लगाया था, वो अभी तक वैसी की वैसी है, काफ़ी शॉकिंग है ना। हाँ नहीं ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, इतना कितना बड़ा ही है, मतलब एक डाली सूखती है दूसरी अपने आप ही हरी हो जाती है। अच्छा इसका नाम कल्प वृक्ष है। तो भाई जो ये वृक्ष देख रहे हो इसका नाम है कल्प वृक्ष, और अभी यहाँ के जो पंडित जी हैं वो बता रहे हैं कि ये जो वृक्ष है वो ना तो सूखता है और ना ही टूटता है, मतलब मान लो अगर एक डाल सूखेगा तो दूसरा हरा डाल ऑटोमेटिक ही आ जाता है। तो भाई जी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, और आप देख सकते हो ये यहाँ की मान्यता है। भाई फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं, देख सकते हो पूरा मैं आपको यहाँ के नदी का व्यू दिखाता हूँ। गाइस जो ये नदी देख रहे हो ना, ये सिप्रा नदी है। तो सिप्रा नदी का मैंने आपको वहाँ पे हमने बोटिंग की थी वो भी आपको दिखाया था रामघाट पे, तो वो वाली वीडियो भी मैंने भी उज्जैन वाली प्लेलिस्ट में डाली हुई, आप देख रहे हो ना। गाइस देखो नदी का कितना अच्छा व्यू आ रहा है, वाओ मैन। गाइस सबसे बात जो शॉकिंग है ना, मतलब बहुत ही मतलब जिसपे मेरे को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन रियलिटी है कि ये वृक्ष माता पार्वती ने लगाया था, ये वृक्ष अभी का अभी तक वैसा ही है, लेकिन बिलीव हमने कर लिया
आपकी जो मतलब ये नदी के बारे में भी पंडित जी आपको बताने वाले हैं। पंडित जी बताओ आप। शिप्रा नदी जो है यम लोक से देवलोक को जाती है। मतलब शिप्रा नदी यम लोक से देवलोक की जाती है, मतलब कैसे बहती है? मतलब ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब इधर उत्तर है और ये दक्षिण है। गाय जो ये नदी है देख रहे हो, ये जस्ट ये उत्तर उत्तर की तरह ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो इधर से इधर नदी इधर की तरफ बहती है। और मतलब इसकी विशेषता क्या है? भारत में एक ही नदी जो है ये जो है यम लोक से देवलोक को जाती है। पूरे भारत में बस एक यही नदी है जो गाइस तो यहाँ से उत्तर की ओर बहती है। तो गाइज अभी यहाँ पे पंडित जी ने आपको बताया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ की, जो पूरे भारत में एक यही मतलब एक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। ये मेरे को भी सुन के थोड़ा अचंबा हुआ, लेकिन गाइज यही रियलिटी है। और ये नदी आप देख सकते हो, इसका बहाव अभी आप देख सकते हो, देख सकते हो इधर की तरफ बह रही है ना, इधर दिख रहा है क्या मैं अंदर तेरे को? गाइज ये बंदा है ना आपको, ये बंदा सही नहीं है। गाइज इस बंदे को देखो, बहाव नहीं दिख रहा। अगर गाइज आप लोग है ना कमेंट करके बताना आपको बहाव दिख रहा है क्या। फाइनली यहाँ पे सिद्धनाथ घाट पे दर्शन कर लिया है। भगवान कौर ब्रिज के बारे में मैंने आपको स्टोरी बताई, और अपन गाइज फिर अपन अपने यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, और क्योंकि हमें आज पूरा उज्जैन दर्शन करना है तो आगे की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट स्टॉप है वहाँ पे चल के अपन फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, दर्शन कर जारी रखते हैं। तो सभी साथ में बोलो महाकाल भगवान की जय।